ये हैं अमृतसरी छोले। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और कितनी देर तक पकाया। अगर आपको ऐसे छोले बनाने हैं तो इस फुल वीडियो को आप जरूर देखिएगा। बनाने जा रहे हैं अमृतसरी छोले। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने एक बाउल लगभग 250 ग्राम से 300 ग्राम के बीच हमने ये छोलों को ओवरनाइट डिप करके रखा था। और मैं क्या क्या यूज करूंगी, मैंने 4 बड़े टमाटरों की टमाटो प्यूरी बना ली है पहले से ही, ताकि मेरी वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहे। और मैंने 3 प्याजों का पेस्ट बना लिया, प्याज में ही मैंने 3 हरी मिर्च डाल दी थी, इसका पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए हरा धनिया। ड्राई मसाले में क्या क्या यूज करूंगी, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, नमक, और ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट कर बना लिया है। मतलब ज्यादा भी चॉप नहीं करें, ये मैंने कुंडी में पीसे थे। और खड़े मसाले क्या यूज करूंगी, तेज पत्ता, इलायची, हरी वाली इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और काले मिर्च। और हम क्या यूज करेंगे, हींग। हींग और जो ये ट्विस्ट के लिए इंग्रेडिएंट मैं यूज करूंगी, ताकि बिल्कुल आप जैसे छोले भटूरे खाते हैं रेस्टोरेंट में, उसमें आप, मैं क्या यूज कर रही हूँ, चाय पत्ती, ये 2 टेबलस्पून मैंने चाय पत्ती ली है। और ये है छोले मसाले। अब हमें क्या करना है, जो हमने ओवरनाइट ये छोलों को डिप करा था, इसको हमें कुकर में डालना है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें ये थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी, कुछ तड़के में यूज करूंगी, और नमक। और अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं ये डालूंगी बड़ी इलायची, घुमा दीजिए। पानी सिर्फ आपको इतना रखना है इसके अंदर कि ये बस डिप हो जाए, थोड़ा सा डिप होने से हल्का सा ऊपर, क्योंकि हम चाय पत्ती वाला पानी भी डालेंगे तो ज्यादा पानी भी नहीं, हमें थोड़े ड्राई रखने हैं। अब हम इसको कुकर को बंद करके, इस पे इंडक्शन पे आप इसकी लगभग 4 सीटी लगवाइएगा, अगर आप गैस पे इनको बॉयल कर रहे हैं तो आपको 3 सीटियां ही लगवानी है, क्योंकि एक हम जब ये पूरा मसाला ग्रेवी हमारी रेडी हो जाएगी वो डालेंगे, 1 सीटी हमें तब भी लगानी होती है। अब इसको सीटी लगने दीजिए, इतने हम कढ़ाई में प्यूरी बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 सीटी लगवा दी है, 4 इंडक्शन पे, और अगर आपको गैस पे बनाना तो 3। हमें किस हद तक ये चाहिए प्रेस, इस हद तक प्रेस हो जाए बिल्कुल सही है, इससे ज्यादा पके हुए भी ठीक नहीं रहते, क्योंकि अभी हमें 1 सीटी और पूरा मसाले के लिए लगवाना है, तब बहुत बढ़िया बन जाएंगे। अब हम इसे साइड में रख के ऑयल डाला है गर्म होने के लिए, ये 2 टेबलस्पून मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ऑलिव ऑयल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इतना ये गर्म होएगा, हम क्या करेंगे, ये जो इलायची, लौंग और काली मिर्च है, इसको थोड़ा सा कुंडी में कूट लेंगे। गरम हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे ये जीरा, थोड़ी सी हींग, और ये जो बनाएंगे इसको थे जो, और ये तेज पत्ता, इसको थोड़ा सा चलाएंगे और हम इसमें ऐड करेंगे। इस बार हमने अदरक लहसुन ऐड कर दिया है, इसको चलाएंगे लगभग 40 से 50 सेकेंड, जब बिल्कुल ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, जो कड़ी ये तेज पत्ता है इसकी खुशबू अभी से आ रही है बहुत अच्छी इलायची की, इसको चलाना है। ये देखिए ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट, बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है, इसको चलाना है, अच्छे से पकाना है, ताकि इसमें ना छोलों में कच्ची सी महक ना रहे प्याज की और टमाटर की। पहले आप प्याज को अच्छे से पक, देखिए अब आपको ये प्याज को अच्छे से चलाना है और इसको कच्चे कच्चे जो उसकी स्मेल होती है वो निकाल दी है, आपको इतनी लाइट ब्राउन करने के ना, जो साइड में जो
क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ता है, ऑयल भी छोड़ दे, तब ये जाके पकेगा। ऐसे 2-3 मिनट चलाए, हमारे प्याज पक रहे हैं। हम ये लगभग मैंने 1.25 कप पानी लिया है, इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून चाय पत्ती डाल दूंगी और इसको अच्छे से ना उबाल लूंगी। चाय पत्ती का पानी अभी उबलने के लिए रख दिया, जब ये बिल्कुल उबल जाएगा अच्छे से जैसे हम चाय बनाते हैं, उसके बाद जब हम टमाटो की प्यूरी ऐड करेंगे बाद में ऐड करेंगे। इतने मेरे प्याज पक रहे हैं, एक साइड पे मैंने चाय पत्ती का पानी रख दिया है। ये बिल्कुल बॉयल हो चुका है, अब हम इसको उठा के, और हमारे ये प्याज भी अच्छे से पक गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च और ये छोला मसाला। छोला मसाला कुछ हम बाद में भी ऐड करेंगे, इसको अभी एक बार चलाएंगे। ये हमारे प्याज अच्छे से पक गए हैं, मसाला भी चढ़ गया, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी और इसको मिक्स करेंगे। जब ये टमाटो 1 से 2 मिनट हो जाएगी पक जाएंगे, उसके बाद हम और सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको लिड से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट पकने देंगे। हम इसमें और सॉल्ट ऐड करेंगे क्योंकि नमक डालने से टमाटर के ऊपर वो जल्दी गलते हैं, और थोड़ा और अच्छा कलर आए तो हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे। इसको एक बार चला के वापस से 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। ग्रेवी ये बिल्कुल कम हो जाएगी साइड में जब इसका सारा ऑयल आ जाएगा, अभी हमारी पक जाएगी। इसको कम कर दिया, देखिए अब हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया बनी है। इसने सारा ऑयल साइड में छोड़ दिया तो मतलब टमाटर बहुत अच्छे से पक गया। अब हमें क्या करना है, उसमें जो हमने ये छान लीजिएगा ऐसे, और इसे फिर से 2 मिनट तक पकने दीजिएगा। फिर इस सारी ग्रेवी को हम अपने कुकर में डाल के 1 सीटी लगवा देंगे, फिर हमारे बिल्कुल छोले, अमृतसरी छोले बन के तैयार हो जाएंगे। जो पानी ऐड कर दिया था अब हम इसे बंद करके 2 मिनट तक पकने देंगे। इसमें आप बीच में थोड़े से अभी धनिया पत्ता डाल दीजिए, कुछ हम गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे ताकि और अच्छी खुशबू आए। ये वाला जो पूरी प्यूरी है ये हम कुकर में डालेंगे और 1 सीटी लगवा देंगे। देखिए इसका कलर कितना बेहतरीन आया है, इतनी अच्छी ग्रेवी बनी है। और अभी तो हम इसमें 1 सीटी और लगवाएंगे, और जो ये मैंने कहा था कि ना छोले पाउडर हमें लास्ट में फिर से ऐड करना है, ये 1/2 टेबल स्पून छोले पाउडर हमने डाल दिया। अब हम इसे बंद करके 1 फाइनल सीटी लगवा देंगे ताकि जो सारा मसाला है ये हमारे छोले अब्जॉर्ब कर लें। और इसे ना गैस निकलने तक आप ओपन मत कीजिएगा, खुद ही इसलिए अच्छे से गैस निकल लीजिए, फिर आप देखिएगा कितने बेहतरीन बनते हैं। और ये रेसिपी बना के मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये कैसे बने आप लोगों के। देखिए हमारी फाइनल सीटी आने वाली है, इसके बाद है। अभी मैं इसको 5 मिनट बाद ओपन करूंगी जब इसकी गैस ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। देखिए अब हम ओपन करेंगे और आप इसका कलर देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैं इसको निकालूंगी, मैंने थोड़ी ग्रेवी इसलिए रखी है क्योंकि हम इसे राइस के साथ खाएंगे। बाकी आप अगर थोड़ा पानी कम डालेंगे तो बिल्कुल पूरी वाले छोले बन जाएंगे, या पूरी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हमें राइस बनाने थे तो हमने थोड़ी ग्रेवी रखी है। रेडी है, अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर देंगे। धनिया पत्ता जो हमने कट किया था उसको साइड में रख देंगे। हम इसमें जो हमने प्याज के छल्ले कट करे थे उसको साइड में रखेंगे ताकि और भी ग्रेसफुल लगे। और ये मैंने जो भुनी हरी मिर्च है इसको थोड़ा सा भून लिया था देसी घी में,
इसको मैं साइड में रख दूंगी। अमृतसरी छोलों की फाइनल लुक, आप इसको एंजॉय करिएगा और हमें अपने कमेंट बता के जरूर बताइएगा कैसी लगी, और आप लोग हमारे चैनल फिट एंड फिट बाय लव्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारे संडे स्पेशल छोले, अमृतसरी छोले। अब हमारा फुल लंच रेडी है विद सैलड और राइस और दही। आप लोग भी इंजॉय करेगा अपने संडे को, और खुश रहिए, आबाद रहिए, और हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इंजॉय करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और हमारे चैनल को हिट एंड फिट बाय लव्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।